गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 5 पर चल रहे थे जिसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया था और उसमें और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे करने के लिए, करके देखे होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चौथा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, लिख लेते हैं एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4xi माइनस 2y2j और प्लस z2k, ये वैल्यू दे रखी है। और हमारा इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन के डी एस, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा उसने क्या दे रखा है, दिया है परिबद्ध एरिया। परिबद्ध एरिया क्या दे रखा है, परिबद्ध क्षेत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और क्या दे रखा है, जेड बराबर 0 और जेड बराबर 3 है। ये इतना दिया हुआ है, इन सब की सहायता से हमें इसका मान चाहिए। देखते हैं इसको, ये एफ है हमारा, तो दिए गए एफ वेक्टर से एफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वन हो जाएगा 4x, एफ टू क्या हो जाएगा, एफ टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2y2 और एफ थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर, ये एफ थ्री की वैल्यू हो गई, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में एफ वन एफ टू एफ थ्री तो है ही है। अब हम लगा देते हैं गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है, कि जो हमारे पास में इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस है वो ही बराबर होगा किसके, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके, डाइवर्जेंस एफ और डीवी। तो दिस इक्वल टू, इसको हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, डेल एफ टू अपॉन डेल वाई और डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड, ठीक है। और डी वी की वैल्यू क्या है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब हमें यहाँ लिमिट रखनी पड़ेगी एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स की लिमिट क्या आएंगी, यहाँ वाई की जगह 0 लिख दो तो एक्स की लिमिट आ जाएंगी माइनस 2 से प्लस 2। वाई की लिमिट एक्स के पदों में निकालते हैं तो ये आएगी माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जेड की लिमिट दे रखी है 0 से कितनी, 3, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम ले गई यहाँ पर, दिखाई दे जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 और इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 से 3 डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, 0 से 3 डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, यानी कि इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 4 आएगा, प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई, इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस के 4y आएगा। फिर इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 2z आएगा और डी एक्स इंटू डी वाई इंटू क्या, डी जेड, ठीक है। ये पेज नंबर 1 है, इसका स्क्रीन शॉट ले गए यहाँ तक। ले लिया होगा स्क्रीन शॉट इसका, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। पहले हम किसके सापेक्ष करेंगे इसमें समाकलन, जेड के सापेक्ष करेंगे, उसके बाद में वाई के सापेक्ष, उसके बाद में फिर एक्स के सापेक्ष। तो पहले जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है जेड के सापेक्ष।
दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू से प्लस टू और माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर से कितना, अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा ये फोर जेड माइनस फोर वाई जेड, और इसका करेंगे तो क्या आएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा, इसका जेड स्क्वायर बटे दो होगा, लेकिन दो और है ऊपर कट जाएगा, इसकी लिमिट कितनी है जीरो से थ्री, अब रह जाएगा क्या ये डी एक्स इंटू डी वाई, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी माइनस टू से टू माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम जेड की जगह थ्री रख रहे हैं, जेड की जगह थ्री रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ट्वेल्व, यहाँ पर जेड की जगह थ्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व वाई, यहाँ पर जेड की जगह थ्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा नाइन, और डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। और लोअर लिमिट रखने का कोई फायदा है नहीं, सभी जगह जीरो हो जाएगा, केवल अपर लिमिट रख देते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, बारह नौ इक्कीस हो गए, तो दिस इक्वल टू क्या माइनस टू से टू और कितना आएगा माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में क्या फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गए इक्कीस माइनस बारह वाई और डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखना एक गुणन पड़ा होगा तुम लोगों ने समाकलन का कि माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये हो जाती है कब, जब फलन कैसा है विषम है, इसकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है, लिमिट जीरो से हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है कब, जब फलन कैसा है, जब फलन सम है, ठीक है, जब फलन सम है तो ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये y आ रहा है, विषम फलन है ये, y के लिए माइनस वाई रख देंगे तो चेंज हो जाएगा, ये विषम फलन है, ये सम फलन है, तो केवल इस 21 के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया हमारा दोगुना माइनस टू से टू और जीरो से अंडर रूट क्या फोर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्कीस इक्कीस वाई इक्कीस लिख लेते हैं पहले इसको, और डी एक्स इंटू डी वाई, ये माइनस वाले वाई क्या हो गया जीरो, क्योंकि विषम फलन है, केवल ये सम फलन है, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इक्कीस बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बयालीस माइनस टू से टू, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा वाई, और लिमिट क्या है जीरो से अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स, ठीक है, डी एक्स है ये, इक्कीस कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, यहाँ वन का समाकलन वाई होगा, लिमिट जीरो से अंडर रूट ये रह जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो रखने का तो कोई फायदा है नहीं, अपर लिमिट रख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना बयालीस जी माइनस टू से प्लस टू और कितना अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये तीन नंबर कौन सा है टू है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। तो अब इसमें लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट रख दी इसमें फोर माइनस एक्स पर आ गया, इसका समाकलन करेंगे तो ये भी सम फलन है, तो ये कितना हो जाएगा बयालीस गुणा दो और लिमिट जीरो से टू हो जाएगी, अंडर रूट में क्या फोर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, देखो ये एक्स के लिए माइनस एक्स रख दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सम फलन है तो ये जीरो से टू हो जाएगी लिमिट और दोगुना हो जाएगा ये। तो अब इसका हमें समाकलन करना है, इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है इस पर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा दिस इक्वल टू हो जाएगा ये 84, और इसमें फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले
लिख लेते हैं फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई टू अंडर रूट में यही संख्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे दो और साइन वर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला है इसका। तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं इसमें, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 × 84 हो जाएंगे, ये क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा एक्स वाई टू अंडर रूट में यही संख्या 4 − x² प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 4/2, ए का कर्म 2 कर रहा है और साइन इनवर्स क्या एक्स अपॉन ए का कर्म क्या कर रहा है 2 और इसकी लिमिट क्या है 0 से 2, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 इंटीग्रेशन 2 रखो इसमें 2 रखेंगे तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 + 4 क्या हो जाएगा 0 प्लस 4/2 का मतलब 2 हो गया और साइन वर्स एक्स की जगह 2 रख रहे हैं तो 2/2 1 हो जाएगा 1, ये तो अपर लिमिट रख दी, अब लोअर लिमिट रख दें, एक्स की जगह 0 लिखेंगे, एक्स की जगह 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये वाला एक्स सबको 0 कर देगा, यहाँ एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 84 × 2 साइन वर्स 1 की वैल्यू क्या है π/2, 2 से 2 कट रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 84π, और ये क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से करने इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन लिमिट चेंज कर देते हैं और तुम लोग देखना उसको आगे करके, क्वेश्चन नंबर देखो 6 इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 मुख्य तो उदाहरण है, उदाहरणों को देखना करके, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, डबल इंटीग्रेशन ऐसे रखा है और कितना है x³ और क्या है dy × dz और प्लस क्या है प्लस x²y और क्या है dz × dx प्लस क्या है x²dx × dy, ठीक है, इतना दिया हुआ है, लिमिट्स दे रखी है z = 0, z = b और दे रखा है x² + y² = a², ठीक है, हम इसको बना देते हैं, आगे तुम्हें हल करना है। तो क्या होगा, इसकी तुलना कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन s f1 dy × dz प्लस f2 dx × dz प्लस f3 dx × dy से क्या कर दें तुलना करेंगे तो f1 क्या आ जाएगा, f1 क्या होगा dy × dz का गुणांक x³ हो जाएगा, ये f2 क्या होगा f2 dx × dz, dx × dz का गुणांक क्या है x²y और f3 कितना हो जाएगा, f3 की वैल्यू हो जाएगी क्या x², ठीक है, dx × dy हटेगा, f3 की वैल्यू क्या होगी x², तो ये मिला हमको। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे f1 f2 f3 आ गए, हम कौन सी पर में लगा देते हैं, गॉस डाइवर्जेंस कह दें या अपसरण प्रमेय कह देते हैं, गॉस अपसरण प्रमेय से, गॉस अपसरण प्रमेय से क्या होगा, ये जो हमारे पास में दिया हुआ इंटीग्रेशन है इसको i नाम दे देते हैं, i = क्या हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, थोड़ा दूर लिख लेते हैं क्योंकि लिमिट्स भी आएंगे इसमें, ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आएगा, डेल f1/∂x, डेल f2/∂y और डेल f3/∂z और क्या आएगा dx × dy × dz, तो जो हमारा डबल इंटीग्रेशन में था वो ट्रिपल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, कौन सी प्रमेय से, गॉस अपसरण प्रमेय से, इसमें लिमिट रखते हैं x की,
एक्स की लिमिट रखने के लिए यहाँ वाई का मान जो रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए से प्लस ए आ जाएगी। वाई की लिमिट यहीं से निकालनी पड़ेगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कहाँ तक, प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जेड की लिमिट दे रखी है 0 से b, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं, आई माइनस ए से प्लस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कितना, अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, यानी इसका एक्स के सापेक्ष क्या होगा 2x, इसका फिर वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका जेड के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जेड के सापेक्ष 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें जेड है नहीं, और इस पूरे का किसके सापेक्ष, dx इंटू dy इंटू dz। तो पिछले प्रश्न में चेंज हो गया ये, उसकी भांति इसको हल करेंगे। तो देखना इसको आगे हल करके, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। आगे करना है इसको, पहले हम जेड के साथ एक्स करेंगे तो एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद में वाई के साथ एक्स करेंगे, फिर उसके बाद में एक्स के साथ एक्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये दे रखा है, और क्या है डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। इसका मान भी पूछ रहा है, इसका मान निकलवा रहा है, और क्षेत्र क्या दे रखा है उसके लिए, क्षेत्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, और क्या दे रखा है, और दे रखा है जेड बराबर कितना 1, ठीक है। तो देखना इसकी लिमिट्स कैसे आएंगी। तो ये हमारा एफ हो गया, एफ की लिमिट देख रहा है एफ डॉट एन डी एस, ऐसा होता है। चलो लिख लेते हैं उसको, इंटीग्रेशन एफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस से क्या कर दें, इसकी तुलना कर दें। तो डायरेक्ट ही हम एफ वन एफ टू एफ थ्री लिख लेते हैं, एफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, आई का गुणांक, एफ टू क्या हो जाएगा वाई, जे का गुणांक, और एफ थ्री क्या हो जाएगा जेड, के का गुणांक हो जाएगा। तो ये हमारे एफ वन एफ टू एफ थ्री प्राप्त हो रहे हैं। अब क्या निकालेंगे, अब हम गॉस अपसरण प्रमेय का उपयोग करते हैं, गॉस अपसरण प्रमेय से। तो केवल हिंट देंगे इसकी, आगे तुम लोग करके देखना है इसको, जितने अपने हाथ से करेंगे क्वेश्चन उतना ही बढ़िया रहेगा। गॉस अपसरण प्रमेय से क्या होगा, ये जो हमारे पास में आई है, इसको आई कह दें, आई बराबर क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आएगा डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स और डेल एफ टू अपॉन डेल वाई, और कितना आएगा डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या आएंगी देखना, जेड की लिमिट देख लेते हैं पहले, जेड की लिमिट एक तो 1 है, और एक जेड की लिमिट यहाँ से निकलेगी अंडर रूट कितनी, जेड की लिमिट एक तो 1 है, और एक अंडर रूट में क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड की लिमिट हो गई। अब यहाँ जेड की जगह 1 रख दो, जेड की जगह 1 रख देंगे तो वाई की लिमिट क्या आएगी, वाई की लिमिट आ जाएगी, यहाँ रख कर देख लेते हैं रफ में, यहाँ 1 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कितना,
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का आएगा ऊपर प्लस का आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इसमें वाई की जगह जीरो रख दो तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी, तो हमारी एक्स की लिमिट हो जाएगी माइनस वन से प्लस वन। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन से प्लस वन, और माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से कितना, प्लस के अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल एक्स वन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वन वन वन, देखना इसका वाई के सापेक्ष वन हो जाएगा, इसका जेड के सापेक्ष वन, और क्या रह जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ये वन वन तो थ्री हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री तो बाहर आ जाएगा, माइनस वन से वन, और कितना माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से कितना, प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बचे हुए का जेड के साथ इस करेंगे तो जेड आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या होगी, वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब इसमें लिमिट रखेंगे, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर फोर है ये, इसका स्क्रीन शॉट ले लें, यहाँ पर ले लिया होगा स्क्रीन शॉट, बता देते हैं उसको, उसमें समाकलन के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में जो समाकलन की बुक है उसको ले लेना, उसमें सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं पीछे। तो दिस इक्वल टू क्या आएगा, आई बराबर थ्री तो है ही, माइनस वन से वन, और कितना माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से क्या, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ही अपर लिमिट रख रहे हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, जेड की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वन, और कितना डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब हमें वाई के साथ एक्स करना है, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट होगा, वाई के साथ एक्स करेंगे तो वाई की घात सम है इसमें, तो ये पूरा y के लिए सम फलन है, तो क्या होगा ये दोगुना हो जाएगा माइनस वन से, और लिमिट क्या हो जाएगी जीरो से अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, और डी एक्स इंटू डी वाई। देखो क्या करेंगे इसमें, ये दोगुना हो जाएगा, दोगुना हमने यहाँ कर दिया सिक्स, और लिमिट जीरो से अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि वाई की घात सम है इसमें। तो इसे और सॉल्व करते हैं, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, वाई के साथ एक्स कर रहे हैं, वन का तो समाकलन वाई के साथ एक्स वाई हो जाएगा, इसका कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो क्या फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसके दो फॉर्मूले हैं, हम इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिक्स माइनस वन से प्लस वन, और इसका ये ए का काम एक्स कर रहा है, तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा वाई अपॉन टू अंडर रूट में ये संख्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसमें है प्लस चिन्ह प्लस ए स्क्वायर वाई टू, ए का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स क्या वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन क्या एक्स। ठीक है, और रह गया क्या ये डी एक्स, लिमिट क्या है इसकी जीरो से कितनी, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रह गया ये, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इक्वल टू क्या आएगा, सिक्स माइनस वन से प्लस वन, इसकी अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर वाई की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पर क्या आएगा वाई की जगह हम ये रखेंगे तो वाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल वन बचेगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर वाई टू, और साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स क्या होगा, ये साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू
वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या है एक्स, ठीक है, और डी एक्स। जीरो रखने का कोई फायदा नहीं, जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो यहाँ रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखो एक्स की घात कैसी है, एक्स की घात यहाँ पर विषम है, यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है, और यहाँ पर भी कैसी है, सम है। तो इसका समाकलन करेंगे किस टाइप से, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस वन से प्लस वन, और क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा, नौवा। तो इसमें समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह कुछ रखना पड़ेगा, एक्स की जगह हम साइन थीटा रख दें या कॉस थीटा रख दें, तो फिर क्या होगा, ये वैसे भी ये लिमिट माइनस वन से प्लस वन है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस एक्स रखेंगे तो ये चेंज चेंज हो जाएगा, और यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, तो हमारा केवल क्या रह जाएगा, ये जीरो से वन रह जाएगा, और अंडर रूट में क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू और डी एक्स, और ये दोगुना हो जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो ये दो से दो कट जाएगा, छः रह जाएगा। इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन क्या है, अभी लिखा था फॉर्मूला एक्स वाई टू, अंडर रूट में यही संख्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई टू, ए स्क्वायर वाई टू का मतलब क्या है, वन वाई टू, इस टू से तो ये वाला टू कट गया है, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपन ए करेंगे, लेकिन ए का मान वन है, तो क्या रह जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट क्या है, जीरो से वन। और इसमें लिमिट रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स, वन रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ वन रखेंगे तो वन वाई टू, और कितना, साइन इनवर्स क्या, वन, और जीरो रखने पर दोनों पर जीरो हो जाएंगे, उससे रखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू पाई बाई फोर हो जाएगा, साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई टू, फिर ये कट रहा है, दो से कट रहा है तीन बार, दो से कट रहा है दो बार, तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा थ्री पाई बाई टू, और ये क्या होगा हमारा अभिष्ट आंसर। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें।